हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अटैक विद नीलेश कुमार वंस अगेन। आज हम रियल इंग्लिश क्लास 8 चैप्टर 7 ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे वर द फर्स्ट टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1953। सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे वर द फर्स्ट, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट की टॉप पे पहुंचे थे इन 1953 में। मेनी माउंटेनियर्स हैड मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू स्केल दिस माउंटेन बिफोर। इससे पहले बहुत सारे माउंटेनियर्स ने असफल कोशिश किया था इस माउंटेन पर चढ़ने के लिए। एरिक वाइनमेयर सक्सेसफुली ओवरकेम हिज हैंडीकैप ऑफ बीइंग ब्लाइंड टू स्केल द माउंटेन पीक। एरिक वाइनमेयर, जो कि एक हैंडीकैप था यानी अंधा होते हुए भी उसने इस माउंटेन की पीक तक स्केल किया था। इन 2001 ए 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल तेम्बासेरी स्टेप्ड ऑन द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड टू बिकम द यंगेस्ट माउंटेनियर अंटिल देन टू डू सो। और 2001 में 16 साल का एक स्टूडेंट नेपाल का, जिसका नाम था तेम्बासेरी, उसने इस हाईएस्ट माउंटेन पे अपना कदम बढ़ाया था और तब तक का सबसे छोटा माउंटेनियर बन गया था। हिज रिकॉर्ड वॉज ब्रोकन बाय एन अमेरिकन टीनेजर जॉर्डन रोमीरो इन 2010। और उसका रिकॉर्ड एक अमेरिकन टीनेजर जिसका नाम था जॉर्डन रोमीरो, उसके द्वारा तोड़ दिया गया 2010 में। जैमलिंग नॉर्गे क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन 2003 टू मार्क द 15th एनिवर्सरी ऑफ द एसेंट बाय हिज फादर तेंजिंग एंड सर एडमंड हिलेरी। जैमलिंग नॉर्गे ने 2003 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपने पिता द्वारा क्लाइंबिंग की 50वीं वर्षगांठ को मार्क किया था यानी चिन्हित किया था। नाउ लेट्स रीड द चैप्टर। व्हाट इज कॉमन अमंग रिवर राफ्टिंग माउंटेनियरिंग ट्रेकिंग एंड पैराग्लाइडिंग। रिवर राफ्टिंग माउंटेनियरिंग ट्रेकिंग एंड पैराग्लाइडिंग में क्या कॉमन है? रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग एंड ट्रेकिंग, ये जनरली आपको पता होगा। पैराग्लाइडिंग एक पैराशूट को शरीर से बांधकर उड़ने की कला होती है। जनरली पहाड़ की ऊंचाई से ये कला की जाती है। ऑल ऑफ देम आर फिजिकली डॉन्टिंग एक्टिविटीज दैट ऑफर अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस। इनमें से सारे फिजिकली डॉन्टिंग यानी बहुत ही डिफिकल्ट, फ्राइटेनिंग यानी डरा देने वाली एक्टिविटीज़ हैं, जो कि जनरली हमें एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल अनुभवों के बारे में बताते हैं। ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। माउंटेनियरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स। माउंटेनियरिंग सबसे अधिक एडवेंचरस स्पोर्ट्स है। इट इज़ द स्पोर्ट ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स। इसमें ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें पहाड़ पे चढ़ाई की जाती है। Only brave hearts, यानी सिर्फ बहादुर दिल वाले, only brave hearts will think of going to unknown territories and conquering mountains. सिर्फ जो brave hearts होते हैं, बहादुर लोग, वही ऐसे unknown क्षेत्र, territories में जाने और वहाँ mountains पर विजय पाने के बारे में सोचते हैं। Yet there is no dearth of mountaineers in the world. फिर भी ऐसे mountaineers यानी ऐसे पहाड़ पे चढ़ने वालों की संख्या दुनिया में कम नहीं है। They climb small and big mountains as a sporting activity. As a sporting activity, वे छोटे और बड़े mountains पे चढ़ते हैं। However, climbing Mount Everest, the highest mountain in the world, is the ultimate dream of any mountaineer. फिर भी माउंट एवरेस्ट, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया का, वो एक अल्टीमेट ड्रीम होता है किसी भी माउंटेनियर के लिए। अल्टीमेट यानी लास्ट ड्रीम यानी अंतिम सपना होता है किसी भी माउंटेनियर के लिए। मेनी माउंटेनियर्स हैड ट्राइड देयर लक एट द कंक्वेस्ट ऑफ दिस माइटी माउंटेन बिफोर। इस ग्रेट माउंटेन पे चढ़ने के लिए और जीत हासिल करने के लिए पहले भी बहुत सारे माउंटेनियर्स ने अपना भाग आजमाया है। In 1924, mountaineers Sandy Irvine and George Mallory made an unsuccessful attempt at the cost of their lives. 1924 में Sandy Irvine and George Mallory ने unsuccessful कोशिश किए अपने जीवन को दाव पर लगाकर इस माउंटेन पर चढ़ने के लिए। The glory of having successfully completed the Everest expedition first goes to Sir Edmund Hillary of New Zealand and शेरपा तेंजिंग नॉर्गे ऑफ नेपाल। और माउंट एवरेस्ट की एक्सपीडिशन यानी उस जर्नी पे जिन्होंने सबसे पहले अपनी सफल यात्रा की,
दैट गोज टू सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड शेरपा तेंजिंग नॉर्गे ऑफ नेपाल. दे कंकर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1953, द फर्स्ट जेन्युइन असेंट. उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 1953 में सबसे पहले जेन्युइन असेंट यानी चढ़ाई की. Ever since the first conquest, many mountaineers have successfully met the challenge of this peak. और उसके बाद से बहुत सारे माउंटेनियर्स ने सक्सेसफुली इस पीक पे आने का चैलेंज किया और वो सफल रहे. In 2006, another New Zealander named Mark English performed an absolutely incredible feat. 2006 में एक दूसरा न्यूजीलैंडर जिसका नाम था मार्क इंग्लिस, उन्होंने एक इनक्रेडिबल फीट यानी एक ग्रेट अचीवमेंट प्राप्त किया इस चोटी पर पहुंचने के लिए. ही बिकेम द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. वो पहले फर्स्ट डबल एम्प्यूटी बने टू रीच द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट. आफ्टर 40 टफ डेज ऑफ क्लाइंबिंग इन अप्रैल मई 2006, द 47 ईयर ओल्ड इंग्लिश मेड हिज फाइनल पुश फॉर द टॉप from camp 4, 450 meters from the summit in perfect weather on 15 May. 40 दिनों की टफ क्लाइंबिंग के बाद अप्रैल मई 2006 में 47 years old इंग्लिश ने फाइनल पुश किया कैंप 4 से टॉप तक पहुंचने में 450 मीटर की ऊंचाई पर इन परफेक्ट वेदर ऑफ 15 मई. एन अस्टाउंडिंग डीड इंडीड. और वास्तव में ये एक एस्टाउंडिंग डीड था. बच्चों यहाँ एम्प्यूटी और एस्टाउंडिंग का मतलब आप समझिए. एम्प्यूटी मीन्स होता है ए पर्सन हु हैज़ हैड एन आर्म और अ लेग कट ऑफ इन अ मेडिकल ऑपरेशन. एक पर्सन कोई ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ या पैर किसी मेडिकल ऑपरेशन में काट दिया जाता है यानी उसके हाथ या पैर किसी मेडिकल ऑपरेशन में कट जाते हैं नहीं होते हैं. एस्टाउंडिंग का मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइजिंग. तो ये जो मार्क इंग्लिश थे ये एक एम्प्यूटी थे. इनके जो दोनों पैर थे वो आर्टिफिशियल थे और फिर भी इन्होंने एक एस्टाउंडिंग डीड किया यानी एक बहुत ही सरप्राइज कर देने वाली डीड यानी कार्य किया माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचकर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचकर. ही वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज आर्टिफिशियल लेग्स ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड लिटरली. और लिटरली मार्क इंग्लिश अपने आर्टिफिशियल लेग्स के साथ माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े थे. देयर स्टूड द लेगलेस माउंटेनियर हैप्पी बियॉन्ड वर्ड्स एंजॉयिंग हिज ट्रायम्फ गेजिंग ऑन ऑल बिलो हिम. और वहाँ पर एक लेगलेस यानी बिना पैर वाला माउंटेनियर जो कि बहुत ही खुश था, उसके पास वर्ड्स नहीं थे और वो उस ऊंचाई से अपने नीचे हर चीज को गेज कर रहा था यानी निहार रहा था. देयर वाई सेंडिंग आउट एन इंस्पायरिंग मैसेज टू अदर्स विद डिसेबिलिटीज दैट देयर एम्बिशन शुड नेवर बी लिमिटेड. और वो वहाँ खड़े होकर दूसरों को ये मैसेज दे रहा था कि डिसेबिलिटी डजेंट मैटर. आप अपने एम्बिशंस यानी जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसे कभी भी लिमिटेड मत रखो. ड्यूरिंग द पनिशिंग क्लाइम हिज प्रोस्थेटिक यानी आर्टिफिशियल लेग्स हैड नॉट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम्स. जब वो उस पनिशिंग क्लाइम पर थे तो उसके आर्टिफिशियल लेग्स ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया. व्हेन वन आर्टिफिशियल लेग हैड ब्रोकन अर्लियर ड्यूरिंग द क्लाइम इंग्लिश डिस्क्राइब्ड इट एज अ माइनर हिकअप. और जब वो चढ़ रहे थे तो उनका एक आर्टिफिशियल लेग टूट जाता है चढ़ाई ड्यूरिंग क्लाइंबिंग, तो इंग्लिश ने ये डिस्क्राइब किया कि ये एक माइनर हिकअप था यानी ये एक स्मॉल प्रॉब्लम था. He was carrying a spare set of legs as well as equipment to make necessary repairs in case anything went wrong. उन्होंने एक spare set of legs ले रखा था और कुछ equipments को भी ले रखा था जिससे कि necessary repair किया जा सके if something went wrong. In 1982, he and fellow climber Phil Dole were trapped in an ice cave for 14 days on Mount Cook. इन 1982 वे और उनका एक साथी फिल डोले ये दोनों एक आइस केव में 14 दिन तक फंस गए थे माउंट कुक पर.
न्यूजीलैंड्स हाईएस्ट पीक, जो कि न्यूजीलैंड्स का एक हाईएस्ट पीक था। इंग्लिश मैनेज टू कीप हिज हेड एंड डिड नॉट पैनिक, बट बोथ ऑफ देम सफर्ड फर्स्ट बाइट एंड दे हैड टू हैव बोथ लेग्स एम्प्यूटेड बिलो द नी। इंग्लिश जो थे वो उस आइस केव में फंस जाने के बाद भी 14 दिन तक अपने आप को काम यानी बिल्कुल शांत रखा, वो उन्होंने धैर्य रखा, जिसके बाद उनके दोनों पैरों को नी यानी घुटने के नीचे से काटना पड़ा था। सिंस 2006 इंग्लिश हैज़ टेकन ऑन अ नंबर ऑफ चैलेंजिंग रोल्स एंड सक्सीडेड। 2006 से इंग्लिश ने बहुत सारे चैलेंजिंग रोल्स किए और उनमें सफल भी हुए। रैंगिंग फ्रॉम लेगलेस एस्की गाइड टू रिसर्च साइंटिस्ट आफ्टर अर्निंग अ डिग्री इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री। रैंगिंग फ्रॉम लेगलेस एस्की गाइड टू रिसर्च साइंटिस्ट, एस्की गाइड यानी जिसमें बर्फ पे फिसलने की जो कला होती है तख्त पे, वो से साइंटिस्ट तक, आफ्टर अर्निंग अ डिग्री इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री। ही ऑल्सो वोन अ सिल्वर मेडल इन साइकिलिंग एट द सिडनी पैरालंपिक्स इन 2000। 2000 में सिडनी पैरालंपिक्स में वो एक सिल्वर मेडल भी साइकिलिंग में जीत चुके थे। बिफोर लिविंग ऑन हिज एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट, इंग्लिश सेड दैट द फैक्ट दैट ही हैड लॉस्ट बोथ लेग्स एंड दैट नो वन हैज एवर स्केल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक विद टू आर्टिफिशियल लेग्स वाज ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस। माउंट एवरेस्ट की एक्सपीडिशन को छोड़ने से पहले इंग्लिश ने अपने दोनों पैरों को खोने का जो फैक्ट कहा और कहा कि किसी ने कभी माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक पर स्केल नहीं किया है विद टू आर्टिफिशियल लेग्स, और ये एक सेकेंडरी इम्पोर्टेंस था उनके लिए। ही सेड विद कन्विक्शन, उन्होंने पक्के विश्वास के साथ कहा, आई एम नॉट डूइंग दिस टू बी द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी, मैं ये फर्स्ट डबल एम्प्यूटी बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। इफ आई एम, और यदि मैं हूँ, देन इट इज द आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा एडेड टू समथिंग दैट इज ऑलरेडी गुड, यानी किसी अच्छे चीज में कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ देना। बट इट्स मच मोर देन दैट, लेकिन ये उससे भी अधिक है। आई हैव बीन क्लाइंबिंग मोस्ट ऑफ माई लाइफ एंड एवरेस्ट इज द अचीवमेंट रियली। वो कहते हैं कि मैं अपने पूरे जीवन भर क्लाइंबिंग करता रहा, और अंत में वो कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट इज द अचीवमेंट रियली, यानी माउंट एवरेस्ट ही रियली उनके लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इट गिव्स यू द नॉलेज ऑफ एम्पावरमेंट टू डू अदर थिंग्स, वो कहते हैं कि ये आपको नॉलेज देता है ऑफ एम्पावरमेंट दूसरे चीजों को करने का। इंग्लिश हु केप्ट अ वेबसाइट डायरी ऑफ हिज क्लाइम्ब सेड दैट द एक्सपीडिशन वॉज ऑल्सो एन एफर्ट टू रेज मनी फॉर अ कंबोडियन सेंटर दैट प्रोवाइड्स रिहैबिलिटेशन फॉर लैंडमाइन एम्प्यूटीज पोलियो विक्टिम्स एंड अदर डिसेबल्ड पीपल। इंग्लिश जो एक क्लाइंबिंग की डायरी रखते थे, वो डायरी बताती है कि वो अपनी क्लाइंबिंग से पैसा इकट्ठा कर कंबोडियन सेंटर को प्रोवाइड करते थे, जो लैंडमाइन एम्प्यूटीज पोलियो पीड़ित तथा डिसेबल लोगों को हेल्दी रखने में सहायता करता है। देन स्टूडेंट, दिस वॉज चैप्टर 7 ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स।